करने वाले सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। कोलकाता रेप कांड का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। इसी बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 14 साल की लड़की से रेप की वारदात सामने आई है। दरअसल इस पूरी वारदात को एक कबाड़ का काम करने वाले शख्स ने दिया है। घटना वाले दिन पीड़ित लड़की घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए पड़ोस में एक कबाड़ का काम कर रहे फैजान नाम के लड़के ने घटना को अंजाम दिया। फैजान ने जब देखा कि घर में कोई नहीं है तो वो घर में घुस गया और फिर उसने लड़की से मारपीट की और बेहोश हो जाने के बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। लड़की और परिजनों के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पे शिकायतकर्ता के परिवार वालों ने बताया कि उनकी पुत्री जो कि 16 साल की है, उसके साथ उन्हीं के गली में कबाड़ी का काम करने वाले एक सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। इसी के आधार पे जो टीमों का गठन करके जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा भरा हुआ था। बाद में पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। बाद में गुस्साए लोगों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने कबाड़ की दुकान और रोड पर खड़े रिक्शा, ठेलियों और ई रिक्शा में तोड़फोड़ कर दी। और तो और ये मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण हिंदू संगठन के लोगों ने भी नाराजगी जताई और थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मामला हिंसक होता देख पुलिस को भीड़ पर लाठी चार्ज करना पड़ा, साथ ही कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में भी लिया। वहीं इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस ने बताया है कि रेप का मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी थी कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, जिसके बाद लोगों की भीड़ ने हंगामा किया।